नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। उनका कहना है कि बिहार के विकास के लिए इन योजनाओं की शुरुआत उनकी तरफ से की गई है, जिसका सीधा लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा। और इसी एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से नीरा का उत्पादन भी था। बता दें कि बड़े ही ताम झाम के साथ बिहार में नीरा का उत्पादन शुरू किया गया। नालंदा में इसको लेकर प्लांट लगाए गए, लेकिन महज 24 दिन के अंदर अंदर ये प्लांट बंद हो चुका है। तो बड़ा झटका लगा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के सपने जो सीएम नीतीश कुमार देख रहे थे वो चूर चूर हो चुका है, क्योंकि सिर्फ 24 दिन के अंदर अंदर ही नालंदा में शुरू हुए इस नीरा के उत्पादन प्लांट की अगर हम बात करें तो वो अब बंद पड़ चुका है और इसकी मांग भी नहीं की जा रही। इसी कड़ी में बात करें तो बिहार शरीफ के बाजार समिति परिसर में बने नीरा प्रोसेसिंग और बॉटलिंग प्लांट में 27 अप्रैल से काफी तामझाम के साथ नीरा का उत्पादन शुरू किया गया था, लेकिन महज 24 दिन में ही ये बंद हो गया। ना सिर्फ नालंदा बल्कि सूबे के अन्य जिलों में बोतल बंद नीरा बेचने की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। इसके साथ ही बता दें कि कॉम्फेंट द्वारा संचालित बॉटलिंग प्लांट में हर दिन कम से कम 1500 लीटर रॉ नीरा की आपूर्ति करने की जवाबदेही जीविका को दी गई थी। रॉ नीरा को प्रोसेसिंग कर 200 ml की 7500 बोतल पैकिंग होनी थी। सुधा डेयरी के काउंटरों पर इसकी बिक्री होनी थी। वहीं बात करें तो प्लांट में 23 कर्मी काम कर रहे थे। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग बंद होने के बाद कर्मियों को रोजगार छीनने की चिंता भी सता रही है। वहीं क्वालिटी कंट्रोलर जगत शरण सिंह कहते हैं कि साल में 3 महीने ही काम मिलता है। प्रोसेसिंग बंद होते ही कर्मियों को कार्य मुक्त करते हुए वेतन भी बंद कर दिया गया है। अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि सीजन में नीरा तो अन्य दिनों में चिल्ली और टमाटो सॉस बनाया जाता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे में बात करें तो कॉम्फेंट के CEO PK सिन्हा कहते हैं कि जितना उत्पादन किया जाता था उतनी नीरा की मांग नहीं की जाती थी। खराब होने की शिकायतें भी मिल रही थी, साथ ही क्वालिटी में सुधार करने की जरूरत है। ऐसे में वरीय अधिकारियों को इस बारे में लिखा गया है। पैकिंग के बाद कोल्ड चेन को अच्छी तरह से मेंटेन करने के बाद 6 दिन तक ही नीरा ठीक ठाक रहती है, उसके बाद खराब हो जाती है। और यही कारण है कि नीरा की प्रोसेसिंग को बंद करना पड़ा है। समस्या भी है कि नीरा में की जा रही मिलावट की जाँच का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। लेकिन बात करें तो नालंदा में इस प्लांट की शुरुआत की गई थी, जिसको लेकर कई बड़े दावे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किए जा रहे थे। खास करके नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने का जो काम है वो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा था, जिसको लेकर इस प्लांट की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट ये था, लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब सपनों में ही कहीं खो गया है, क्योंकि बात करें तो नालंदा में सिर्फ 24 दिन के अंदर अंदर ही ये प्लांट जो है वो बंद हो गया है। ना तो यहां पर नीरा के कोई डिमांड आते हैं, और अगर कोई इसे खरीदता भी है तो उसमें शिकायतें इतनी ज्यादा है कि उसे सबसे पहले दूर करने की आवश्यकता है। ऐसे में आगे सीएम नीतीश कुमार इस खामियाजा को किस तरह से ठीक करते हैं, या आगे क्या कुछ कदम उनकी तरफ से इस नीरा उत्पादन को लेकर उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बात करें तो नालंदा में शुरू किए गए इस प्लांट को जो है महज 24 दिन के अंदर ही बंद करना पड़ा है, क्योंकि इसकी मांग बिहार में नहीं हो रही थी। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।